मैं विनीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर, ब्यूटी कल्चर, टीटीसी एलआरडीसी के ऑनलाइन प्रोग्राम में आज आपको संतुलित आहार के बारे में बताऊंगी। संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसका अर्थ और परिभाषा। संतुलित आहार से हमारा तात्पर्य उस आहार से है जो व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला, ऊर्जा के लिए, दूसरा, शरीर के निर्माण के लिए, और तीसरा, शरीर को सुचारू रूप से चलाने एवं सुरक्षा के लिए। अतः वह आहार जो शरीर को ऊर्जा देने, निर्माण करने और शरीर को सुरक्षा प्रदान करे, ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। व्यक्ति जो भी भोजन कर रहा है, वह जरूरी नहीं है कि पूर्ण तृप्ति की भावना के साथ भी, यह आवश्यक नहीं है कि वह भोजन संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा देने वाले तत्व पर्याप्त मात्रा में है परंतु सुरक्षात्मक तत्वों की कमी है तो ऐसा आहार संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान नहीं होता है। एक प्रकार का संतुलित आहार एक व्यक्ति के लिए आवश्यकता से अधिक होता हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए अपर्याप्त भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की भोजन संबंधी या पोषण संबंधी आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार भी भिन्न भिन्न होता है। संतुलित आहार, इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि संतुलित आहार को कौन कौन से कारक हैं जिससे संतुलित आहार प्रभावित होता है। सबसे पहला कारक है आयु, या जिसको हम कहते हैं एज। आयु के अनुसार छोटे बच्चों को वृद्धि की अवस्था में निर्माणात्मक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है और वृद्धावस्था में शारीरिक शिथिलता कम हो जाने के कारण निर्माणात्मक तत्वों की अपेक्षा सुरक्षात्मक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों के और वृद्धावस्था के आहार में अंतर पाया जाता है। दूसरा है लिंग, सेक्स। पुरुषों और स्त्रियों के संतुलित आहार में भी अंतर पाया जाता है। स्त्रियों और पुरुष के शरीर के आकार में और भार में अंतर होने की वजह से इनके आहार में भी भिन्नता पाई जाती है। स्त्रियों को आयरन की अधिक आवश्यकता होती है लोह तत्व की, क्योंकि हर माह पीरियड्स के कारण उन्हें आयरन अधिक मात्रा में चाहिए होता है। तीसरा है क्रियाशीलता। व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता है उसके अकॉर्डिंग उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोटीन या निर्माणात्मक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार क्रियाशीलता के अनुसार संतुलित आहार में भी परिवर्तन पाया जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अनुसार स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में भी आहार में भिन्नता पाई जाती है। अस्वस्थ व्यक्ति के शरीर में टूट फूट, कोशिकाओं और ऊतकों की टूट फूट अधिक होती है, अतः अस्वस्थ व्यक्ति को अधिक निर्माणात्मक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनके पाचन क्रिया कमजोर हो जाने के कारण भोजन के स्वरूप में भी परिवर्तन पाया जाता है। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु भी संतुलित आहार को प्रभावित करती है। ठंडे प्रदेशों के व्यक्तियों को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है और गर्मी में कम भूख लगती है, इसलिए कम भोजन की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विशेष शारीरिक परिस्थितियाँ। इसके अंतर्गत विशेष शारीरिक परिस्थितियों के अंतर्गत प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेशन मदर, जल जाने की अवस्था, ऑपरेशन की अवस्था, इन परिस्थितियों में कोशिकाओं और ऊतकों की अधिक टूट फूट होती है, इसलिए इन अवस्थाओं में अधिक निर्माणात्मक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है।